और ये मैं पहुंच चुका हूं डेस्टिनेशन पर। चल आ जा भाई, आ जा, लेट हो रहा है आज। चलो ये देखो, ये मेरी कार है जिसमें बैठ के जाऊंगा, और भी बसेज है जिनमें और ट्रैवलर्स वगैरह जाएंगे अलग अलग डेस्टिनेशन पर। ये देखो तो दोस्तों, ये कार्ड दिया गया है जिसमें मेरा सरनेम लिखा हुआ है। प्लीज टेल योर नेम टू माय व्यूअर्स। आई एम सॉरी, आई डोंट लिसन। कैन यू प्लीज टेल योर नेम टू माय व्यूअर्स? ओके, हेलो, माय नेम इज समरा एंड शी इज माय गाइड। तो हम उतर चुके हैं अपनी पहली जगह पे जिसका नाम है नोरावांग मोनेस्ट्री। इसकी अभी हिस्ट्री बताएंगी हमारी गाइड। You can see here two sculpture which was built by Monique. How we know about it? Because ये जो इम्प्रेशन देख रहे हो यहाँ पे, ये आर्मेनियन लेटर का सा है जैसा अभी गाइड ने बताया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये वो इंडिकेट करता है जिसका नाम सा से शुरू होता था जिन्होंने बनवाई है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो अभी इसकी फोटो खींची और फोटो एक भी ढंग की नहीं आ रही। ये अपनी फोटो को मैं बोलना नहीं चाहता वर्ड, उसको थोड़ा जिब्रिश करके बोलता हूँ, टेस्टिमोनियल कह रहा है अपनी फोटो। समझ जाओ टेस्टिमोनियल से टेस्टी से क्या वर्ड बनता है भाई। इसके मुंह से अपनी फोटो की हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं जिसका नाम है साकी वाटरफॉल, और यहाँ से आपको एक नहर दिखेगी। ठंडे पानी की जो छींटे लगती है ना, मज़े आ जाता है। उसमें जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन गाइड कह रही है हमारा जहाँ पे अगली डेस्टिनेशन पे जाना है स्पेसिफिक टाइम है, फिक्स्ड है, रिजर्वेशन है, क्योंकि वहाँ पे रोप है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा आगे। आ गए हैं हमारी तीसरी डेस्टिनेशन पे। ये देखिए कितना बेहतरीन है, और ये रोप वे है जहाँ से हम जाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा रोप वे है जैसा मैंने आपको बताया। ये देखो, इसका नाम विंग्स ऑफ तातेव है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रिवर्सेबल एरियल ट्रामवे। ये मेरी टिकट है, कुछ ऐसी दिखती है। हाँ तू ले अपनी टिकट बीच में, लपक के बैठ जाइए। के लपकेगा भाई, बहुत लपका कह रहा है। ये कह रहा मैं बहुत लपकूंगा, ठीक है भाई लपक लिए। यहाँ पे एक नया सिस्टम है जो अभी ट्रॉली आएगी और जिसके लिए मैंने टिकट ली है। अगर मुझसे वो ट्रॉली मिस हो गई तो फिर मुझे नई टिकट लेनी पड़ेगी। Here we go. अब हम आ चुके हैं दूसरी साइड। नहीं, सारी भीड़ थी जी, आपको दिख रही है मोनेस्ट्री, एक यही है यहाँ की मोनेस्ट्री, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है। बहुत ही प्यारी मोनेस्ट्री है दोस्तों, और अभी तक हमारी गाइड ने हमें हिस्ट्री नहीं बताई इसकी, तो बताएगी मैं। दोस्तों यहाँ पे एक शादी भी हुई है, दिखाता हूँ आपको ब्राइड और ग्रूम। तो ये मोनेस्ट्री कम और प्लस एक यूनिवर्सिटी भी थी बहुत बड़ी। तो यहाँ पे क्या होता था कि लोग ना मान लो वॉर हो जाए तो छुटने के लिए विलेजेस वगैरह से सप्लाई लेने के लिए, तो यहाँ पर एक ऐसे सीक्रेट रास्ता है वहाँ से लोग जाते थे सप्लाईज लेने के लिए। तो ये अगली डेस्टिनेशन है हार्सना जोर बोलते हैं इसे। क्या नाम है इस जगह का बोली तू? बोली पता ना भाई, मैं तो आप तो पूछ रहे थे क्या नाम। हार्सना जोर है, हार्सना मेरा कौन सी चोर चोर डकैत इंटरनेशनल डाकू चोरी सुनाई देगा तेरे को। इस जगह की सबसे प्यारी चीज sure.
ये देखो किस चीज़ का एग्जीबिशन लगा हुआ है, वाइन के साथ साथ और भी एसेसरीज हैं एज ए सोवेनियर। कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हैं वाइन, कुछ वाइन के इतिहास के बारे में बताएंगे कि आर्मेनिया में कैसा था, कैसे ओरिजिनेट हुआ है वाइन का। Hi. First, I will explain which kind of wine we have. Then you will have wine tasting. You are in Arani wine factory, which was founded in 1994 by Simon Aspen. So, ये देखो गाइस, यहाँ पे अलग-अलग देशों की करेंसी है, अलग-अलग देशों की करेंसी है, और ये रहा हमारे हिंदुस्तान का 200 रुपए का नोट, और ये रहा 10 रुपए का नोट, और ये 500 रुपए का भी नोट है। और यहाँ पे ये एक छोटा सा ओपन एरिया भी है, आप बाहर भी बैठ के वाइन पी सकते हो। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं जहाँ से शुरू किया था, और अब मैं अपनी टैक्सी बुक कर रहा हूँ अपने हॉस्टल जाने के लिए। अब टैक्सी का वेट कर रहे हैं, और टैक्सी आ जाए हमारी और फिर घर चलते हैं।